हाय गाइस, आज मैं आपको शो करूंगी कि किस तरह से मेरा एक पुराना किचन में जार था तो उसका जो ढक्कन था वो चला गया है, ख़राब हो गया है। तो वैसे भी ये यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैं इसको आज काट के इससे विंटर सीजन के लिए पॉट बनाऊंगी। देखिए, मैंने थोड़ा काटना स्टार्ट भी किया है, तो मैं इसको नाइफ गरम करके यहाँ से इसका ये पोर्शन काट दूँगी। देखिए, इसको काट लिया क्योंकि इसका मुंह थोड़ा सा छोटा होता है तो इसके अंदर पौधे डालने में दिक्कत होती, तो मैंने इसको काट दिया ताकि ये मुझे चौड़ा पोर्शन मिल गया। अब इसको मैं अच्छे से धो लूँगी और नीचे छेद कर दूँगी ताकि जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेनेज हो सके। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको पेंट भी कर सकते हैं, पेंट करने से और सुंदर लगेगा। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि मेरा एक गेंदा का फ्लावर का जो पॉट है वो नीचे गिर के मिट्टी का था, टूट गया, तो मुझे अभी उसको तुरंत शिफ्ट करना होगा। तो मैं बाद में इसको पेंटिंग करूँगी, आप चाहें तो इसको पेंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैंने इस पौधा कल गिर चुका था और इसमें दो फूल भी ऐसे टूट चुके थे, ये पॉट नीचे गिर गया था, ऊपर था, तो मैंने इसको इसमें प्लेस कर दिया और जो अभी बाकी मिट्टी है वो भी मैं इस पर दे दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। मैंने इसमें अभी पानी नहीं डाला क्योंकि कल शाम को ही मैंने इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, तो मिट्टी पूरी गीली है। आज ये जैसे ही धूप में सूख जाएगा, शाम को मैं इसमें क्या करूँगी, मैं एक कप पानी में एक चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट का डस्ट मिला के उसको दूँगी। मैग्नीशियम सल्फेट बायप्सम सॉल्ट जो होता है वो दोनों काम कर देता है, जैसे कि इसको शिफ्टिंग करा एक पॉट से दूसरे पॉट में। और सेकंड चीज़ जो ये है, ये जो गिर गया था इसमें काफ़ी, जो ये डंडियाँ भी टूट गई, तो इस दोनों का जो शौक है, शिफ्टिंग का जो शौक है और साथ में ये जो रीपॉटिंग एक पॉट से दूसरे पॉट में जाने का भी जो एक उसको झटका लगता है मैग्नीशियम सल्फेट से, वो रिलीज़ हो जाता है। बट अभी तो शाम को ही देते हैं, प्लस अभी जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया है उसके कारण मिट्टी थोड़ी गीली है, तो इसलिए अभी मैं इस पर दूंगी नहीं, बाकी मैं इस पर शाम को दूंगी। देखिए, पॉट पूरा रेडी हो चुका है। हाँ, इसमें मेरा काफ़ी लॉस हो गया क्योंकि दो तीन फ्लावर मुझे उठा लेने पड़े और कटिंग कर देना पड़ा यहाँ से गिर जाने के कारण, बट ये होप जल्दी रिकवर कर लेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोशिश करती हूँ प्लास्टिक के पॉट अवॉइड करने का, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है कि जो सनलाइट मिलने के बाद रूट्स को बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट मिल जाता है, तो विंटर के सीज़न के जो भी फ्लावर है उसमें तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, बाकी जो ऑल टाइम 12 मंथ्स ही, मतलब पूरा साल ही जो शेड में रहते हैं जिस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, उस पे भी मैं प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर लेती हूँ। बट जो सनलाइट में रहते हैं मैं उनमें मिट्टी का पॉट यूज़ करती हूँ ताकि उनके रूट्स को किसी भी तरह हार्म ना पहुँचे। जनरली आजकल सब यूज़ कर रहे हैं बट अवॉइड करना चाहिए, इससे पौधों को बहुत मतलब नुकसान होता है और उनको कष्ट भी मिलता है काफ़ी ज़्यादा वो डायरेक्ट रूट्स में सनलाइट पहुंचने के वजह से, क्योंकि प्लास्टिक हीट हो जाता है जल्दी और वो रूट को जाके इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश कीजिएगा आप भी कि जो सर्दी के फ्लावर है उनमें तो आप फ्लावर के प्लांट्स हैं उनमें तो आप रख सकते हैं, बट शेड में जो रहते हैं उन्हीं में प्लास्टिक का पॉट यूज़ कीजिए। बाकी में आप कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा मिट्टी का पॉट ही यूज़ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।